नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मोहम्मद तबेज सिद्दीकी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा नगर क्षेत्र में तेज गति व नशे की हालत में वाहन चलाने वाले पर अंकुश लगाने के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी कैंट द्वारा थाना कैंट पुलिस के साथ पैडलेगंज चौराहे पर तेज रफ्तार से आने जाने वाले भारी वाहनों को रोक कर लगातार रात्रि में सघन चेकिंग कराई जा रही है। इस दौरान वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 10 अदद डंपर वाहनों को सीज कराया गया है। इस संबंध में सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी कैंट मानुष पारिक ने बताया कि तेज रफ्तार से चलाए जा रहे डंपर वाहनों से आए दिन सड़क दुर्घटना में लोग घायल हो रहे हैं, जिसको लेकर यह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग तेज रफ्तार से वाहन चलाते पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक सीओ कैंट मानुष पारिक ने कहा, एक हफ्ते से रात्रि चेकिंग के अभियान के अंतर्गत कुछ ओवर स्पीडिंग करते हुए डंपर जो रात में बेलगाम चल रहे थे, उन्हें रुक के उनके कागज देखे गए और कागज सही प्राप्त न होने पर उन्हें सीज किया गया। ये निरंतर जारी रहेगा क्योंकि रात को जो डंपर खास करके बड़े ट्रक चलते हैं और ओवर स्पीडिंग करते हुए काफ़ी दुर्घटनाएं सामने आई हैं और काफ़ी जान भी गई इसमें गई हैं एक्सीडेंट्स में। तो कुछ चौराहे हैं जैसे पैडलेगंज हो गया, मोहद्दीपुर हो गया, यहाँ पे अभियान ये चला है। रात्रि 10 बजे के बाद में जितने भी वाहन तेज गति से वहाँ पर चल रहे हैं उनको रोक के उनके कागज भी चेक किए जा रहे हैं, उनके नंबर प्लेट्स, कई बार उनके नंबर प्लेट भी सही नहीं मिलती हैं। तो ऐसे में आवश्यक विधि